तुम भी किसी से मोहब्बत तो नहीं कर बैठे? मुझे किसी अमीरजादे से शादी नहीं करनी। इश्क मुर्शिद 8 अक्टूबर से इतवार शब 8 बजे। ओमाज क्या हो गया था आपको? हमने हमेशा भाई और डैड के झगड़ों में आपको खामोश पाया है, फिर आज क्यों? मैं भी यही सोच रही हूं कि आज ही क्यों, पहले क्यों नहीं? मैंने हमेशा अपने बेटे को अपने बाप से लड़ने के लिए तनहा छोड़ा। अपने मिजाज खुदा के लिए अपनी ममता को खामोश करा दिया मैंने। वजह से मेरा बेटा हमेशा तनहा अकेला महरूम मजबूर रहा। काश मैंने ऐसा ना किया होता। मुनीबा, अगर मैं आज भी ना बोलती ना तो मेरा शहीर घर छोड़ के चला जाता, मर जाती उसके बगैर, मैं मर जाती। मैं उसको उसका मुजरिम समझती हूँ। मैंने क्यों उसके हक के लिए उसके बाप के आगे नहीं बोला? आज मुझे बोलना पड़ा, मुझे बोलना पड़ा। अगर वो चला जाता ना तो मैं मर जाती, मैं मर जाती आज। बस कीजिए माँ, चलो खाना खा लो। सुबह का तुमने कुछ नहीं खाया? सुबह का तो आपने भी कुछ नहीं खाया है अम्मी। और याद है, आप हमें बचपन से यही सिखाती आई कि आज की मुश्किल हमारा कल का रास्ता आसान बना देती है। तुम अब भी इसे मुश्किल को जानबूझकर एतमाद को खराब कर, अपनी चालबाजियों से रिश्तों को चकनाचूर कर। अम्मी, हो सकता है उसे अपने इस रवैये की बदसूरती का जरा भी एहसास ना हो। आप तो अच्छी तरह जानती है ना कि वो बगैर कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। ये तुम कह रही, तुम्हें अभी उससे कोई उम्मीद? अगर है तो खत्म कर। अम्मी, हमें उसे वक्त देना चाहिए। और आप और अबू यही तो कहते हैं कि उम्मीद सिर्फ अल्लाह से लगा के रखनी चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि मैं तुम्हारा नहीं, तुम मेरा हौसला। ऐसी बात नहीं है, आज आपको ज्यादा सेंटी हो रही है। वैसे बात भी तो आपके लाडले बेटे की है। लाडले तो तुम सभी। तो फिर आप ये क्यों कहती है कि मैं अबू की लाडली हूँ? वो तो तुम हो, जैसे भाई आपका लाडला है। हाँ, वो है लाडला, कुदरती बात है। बेटा माँ का और बेटी बाप का मान जान। इंशाल्लाह आपका मान हमेशा सलामत रहेगा। बस अभी दोनों नए नए दुल्हा दुल्हन है ना, इसलिए इतरा रहे हैं। आप परेशान ना हो। वैसे आप खाना खाएंगी तो फिर मैं भी खा लूंगी। ऐसी लग रही है बहुत खूबसूरत। मुझे जीने के लिए तुम्हारा साथ और तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, मेरे लिए काफी है। क्या सच में आप
आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं? आजमाना चाहती हो? आजमाया तो वहां जाता है जहां शक हो, लेकिन मुझे आप पर और आपकी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। थैंक यू। अच्छा वरदा, एक रिक्वेस्ट थी मुझे। आप हुकुम करें। मैं सोच रहा था कि हमने ना अम्मी अबू को हर्ट कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अम्मी भी रो रही थी। वरदा यकीन करो, उनके दिल में ना हमारे लिए बहुत मोहब्बत है। अगर खुदा उन्हें मिसगाइड कर रही है तब भी हमें उनके साथ रूठ नहीं होना चाहिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? ऐसा करते हैं कि मैं खुद उनसे जाकर माफ़ी मांग लेती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बड़े मेरे वालिदैन की जगह, इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स जैसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है माफ़ी मांगने में। ये बात करके ना तुमने मेरा दिल जीत लिया। आपको वहां पता हुई है, पहले नहीं थी? चल। अजमी, अजमी बेटा, बेटा ये कपड़े ना अपनी अलमारी में रखो। अम्मी मैंने सारे बर्तन धो दिए, अब कोई काम नहीं बोलेगा, मैं थक गई हूँ। अल्लाह, बर्तन धोते ही तुम थक गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी मैं वरदा को पार्लर लेकर जा रहा हूँ, वापसी में एक जरूरी काम है वो खत्म करता हुआ आऊँगा। बेटा दुल्हन को ऐसे अकेले लेकर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा, तुम ऐसा करो युसरा को साथ ले जाओ। हाँ क्यों नहीं भाई, मैं ना जिंदगी में कभी पॉलर से तैयार नहीं हुई, मेरी एक ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, है ना अम्मा? चलो ठीक है, तुम भी चलो। बस एक मिनट। हेलो, मैं अपना मोबाइल तो रूम में ही भूल आई, लेकर आती हूँ। अम्मा मैं पॉलर से तैयार होंगी, कितनी अच्छी लगूंगी ना। तुम भी ना। जी अम्मी मैंने कपड़े रख दिए हैं, कोई और काम है तो बता दे। एक मिनट तुम मेरे साथ आओ, एक जरूरी काम था। चले? हाँ सुनो, वो मेरी बात हुई है पॉलर में, तो वो कह रही है कि आज मेकअप आर्टिस्ट तो आया नहीं है, वो काफ़ी बिजी है, वो आई थिंक छुट्टी पर है, तो तुम वहाँ सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाओगी, क्या करोगी? लेकिन आपने तो मुझे कहा था कि लेके जाऊँगी। हाँ मैंने कहा था, लेकिन हो नहीं सकता ना, अब वो है ही नहीं तो तुम्हें तैयार कौन करेगा। ऐसा करो कि हुदा घर पे मौजूद है, फारिग है, वो तुम्हें बहुत अच्छा तैयार कर देगी। ठीक है, मामा को बता देना हम चले। खुदा तो मैं आता हूँ ना दो तीन दिन में, फिर देख लूंगा आकर। ओके चले। हाँ कहाँ है युसरा? कहाँ है युसरा? नहीं आ रही है, वो खुदा ने उसे रोक लिया है। खुदा ने? लेकिन क्यों? अच्छा तुम लोग ठहरो, मैं पूछती हूँ। नहीं अम्मी रहने दें, वैसे भी मैं फंक्शन में कोई बदमजगी नहीं चाहता, रहने दो। आर्यन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वैसे भी उसने मानना नहीं है, रहने दें, कोई बात नहीं। हाँ हम चलते हैं, ये सारी चीजें मैं बाद में देख लूंगा। ठीक है मैं। अम्मी ये झूठ बोल रही थी, मैं सिर्फ आरिज भाई का लिहाज कर रहा था, वरना मैं। अस्मी बेटा तुम इन मामलात से दूर रहो,
हम हैं ना, पूछ लेंगे। फोन रिसीव नहीं कर रहे, कहीं वर्दा के रिसेप्शन की वजह से भाई साहब से मिलने तो नहीं चले गए? मॉम तो फिर टायर के लैंडलाइन पे ट्राई करें ना। अगर लैंडलाइन पे कॉल किया तो कहीं इरिटेट ना हो जाए। तो मॉम, आर यू श्योर डैड वापस आ जाएंगे? इस उम्र में इंसान जिम्मेदार हो जाता है, बच्चों की तरह केयरलेस नहीं होता, और वो तो 3 बच्चों के बाप हैं। मैंने डैड को बहुत डिसअपॉइंट किया। सीधा कहो ना, रिग्रेट हो रहा था मैं भाई की सपोर्ट करने को? नहीं भाई, बट ही इज आवर डैड, जो उनकी भी फिक्र है। अच्छा तुम लोग परेशान मत हो, मैं ऑफिस जाकर देखता हूँ, सब तरह आता हूँ। यूसरा बेटा, कौन सी किताब में लिखा कि भाई के वलीमे पर पार्लर ही जाना है? अम्मी, अब जिंदगी किताबों के सहारे तो नहीं चलती ना, इंसान की अपनी भी खुशी होती है, कोई ख्वाहिश होती है ना। अरे वाह वाह हमारी यूसरा बेटी, किताबी बातों के साथ साथ अमली बातें भी करने लगी। भाई प्रॉब्लम क्या है, मुझे बता दो। वर्दा के साथ इसने पार्लर जाना था तैयार होने के लिए, और उसके पास टाइम नहीं, बस इतनी सी बात। इतनी सी बात? भाई आपका जहाँ दिल करता है वहीं पर चलेंगे। सच में? भाई ये फोन है ना, अपनी पसंद का सैलून देख लो, हम वहाँ चलेंगे। पक्का ना? पक्का। अंकल मुझे बाबा ने भेजा था आप लोगों की हेल्प करने के लिए। शुक्रिया बेटा, सारे काम तुम दोनों ही तो देख रहे हो। आप लोग बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ आओ। यार सलमान, ये सब तू क्यों कर रहा है, इस तरह छुप कर बैठना? रूम तूने मेरे नाम से बुक कराया है और खुद मेरा गेस्ट बना बैठा है। चलो शाबाश, मैं तुझे घर ड्रॉप कर रहा हूँ, चल आ जा। नहीं ऐसे तो नहीं जाऊँगा मैं, मेरी वाइफ ने आज तक मेरे किसी भी फैसले पर कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन आज उसने डायरेक्ट फैसले ही कर लिया। मर चाहे जितना भी लिबरल हो या एजुकेटेड हो, बीवी का सामना उसकी अनाक को तोड़ देता है। मेरे भाई ये सब कुछ घर में रह के भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है, तो भाभी से बात तो कर। आई एम श्योर तेरे डिक्टेटर अंदाज भाभी के एतमाद को पल भर में ढेर कर देगा। हाँ अभी बात नहीं करूंगा मैं उससे, पहले मैं उसकी हिम्मत को तोड़ूंगा। वो जिस बेटे की हमायत में उसके पढ़ निकल रहे ना, 4 दिन में उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, उसे पता चलेगा कि वो कितना काबिल है, सिर्फ 4 दिनों के अंदर। 4 दिनों में? क्या मतलब 4 दिनों तक मुझे तुम्हारे साथ यहाँ इस होटल के रूम में रहना पड़ेगा? वेट ब्रो, तुम्हारा भाभी से झगड़ा हुआ है, मेरे वाइफ से नहीं। क्यों हम दोनों का झगड़ा करवाने पे तुला हुआ यार? अच्छा तू टेंशन क्यों ले रहे हैं, तुम एक काम करो कि इस्लामाबाद होटल में बुकिंग करवा दो, लेकिन अपने नाम से करवाना। चलो चाहे तो मंगवा। अभी मंगवाता हूँ भाई। हेलो। हाँ वर्दा यार, एक मसला हो गया, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तुम एक काम करो, तुम अजमीर को बोल दो, वो वहीं किसी पार्लर के करीब होगा, वो तुम्हें पिक कर लेगा। अजमीर यहाँ किसी पार्लर के पास क्या कर रहा है? हाँ वो हुदा और यूसरा को लेकर आया। क्या वो पागल हो गया? मतलब कि उसके तो पैर में चोट लगी थी ना हुदा के, तो समझ गई मैं, ये सारी प्लानिंग ना यूसरा के साथ मिलके की होगी उसने। स्टूपिड कहीं का, क्या जरूरत थी आने की उसे? अच्छा रहने दो ना भी इन बातों को, अगर उसकी प्लानिंग है तो फिर तो अजमीर भी उसका साथ दे रहा है। वो तुम्हें पिक कर लेगा, ठीक है? किस कदर मीसनी और चालाक है ये,
आप प्लीज सर ऊपर कर लें, मुझे आपका दुपट्टा। आप छोड़ दें, मैं खुद ही कर लूंगी। जाएं आप यहाँ से। सारा मूड खराब कर दिया इसने मेरा, खुद ही ठीक करना पड़ेगा सब कुछ। भी भेज दिया है मैंने। फोन भी नहीं पिक कर रहे, अजीब ड्रामेबाजी। बैठे होंगे लाजमी कहीं सुकून से और यहाँ हमें परेशान कर रखा है इन्होंने। भाई डैड आप भी जाए ना तो आप उस लड़की का जिक्र उनके सामने मत कीजिएगा। क्यों जिक्र ना करूं मैं उसका? मैं तो लाजमी जिक्र करूंगा। और मामा उस लड़की को मैं हासिल कर कर ही रहूंगा, ये बात आप भी समझ लीजिए और अपने हस्बैंड को भी बता दीजिएगा। बल्कि मामा मैं ताया अब्बा के यहाँ जा रहा हूँ, वर्दा का रिसेप्शन खत्म हो चुका होगा और आई एम श्योर के ये वहीं बैठे होंगे। अभी मुनासिब वक्त नहीं है, तुम रुक जाओ, हम दोनों सुबह साथ चलेंगे। मैं अकेले जाऊंगा और अभी ही जाऊंगा और डैड को ना सिर्फ वापस लेकर आऊंगा बल्कि ताया अब्बा के सामने ही सारी बात करूंगा ताकि सबको सब कुछ पता चल जाए। शहीद वहां जाके बनती हुई बात बिगाड़ मत देना खुदा के लिए। कुछ नहीं होगा मामा, आप परेशान मत हो। बात शहीद, ये लड़का सुनता नहीं है किसी, पता नहीं क्या करेगा वहां जाके। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्ज भी अंजाम को पहुंचा। जी मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी ने भी शिरकत करी। जी अम्मी, जब पीछे सपोर्ट होती है ना तो सीक्रेट प्लान हो ही जाते हैं और उन पर अमल भी हो जाता है। अरे तुम कहना क्या चाह रहे हो? सिंपल है अबू भाई, अगर ऐसे जाना था और पार्लर से तैयार होना था तो मेरे साथ भी जा सकती थी ना वो, लेकिन नहीं, उसे अजमीर के साथ जो जाना था उसकी कंपनी चाहिए थी और इस सब साजिश में ना उसने युसरा को भी शामिल कर दिया। आरेस, खुदा ने तो जाने से मना कर दिया था, वो तो मैंने खुद ही। यही तो खूबी है उसकी अब्बू, यही तो खूबी है। आरेस, ये भाई अगर ऐसे जाना था और पार्लर से तैयार होना था तो मेरे साथ भी जा सकती थी ना वो, लेकिन नहीं, उसे अजमीर के साथ जो जाना था उसकी कंपनी चाहिए थी। इतनी ज्यादती, काश बदलते भाई बहनों के दिल में झांक सकते। आज सबने मेरी इतनी तारीफें की, आप ही कोई कह रहा था मैं डॉल लग रही हूँ, कोई कह रहा था बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही हूँ। मेरी बहन सबसे ज्यादा हसीन लग रही थी। ये सब अजमीर भाई की वजह से हुआ है, सच में बहुत अच्छे आप, बहुत लकी हैं आप ही। आप ही आप आरेश भाई की, ये सब वरदा आप ही की वजह से हुआ है। युसरा, हर मामले में तुम्हारा बोलना जरूरी नहीं है। डैड, डैड, क्या बात है शहीद? और ये क्या बदतमीजी है, ना सलाम ना दुआ। अस्सलाम वालेकुम ताया। डैड कहाँ? वालेकुम अस्सलाम। लेकिन सलमान तो यहाँ नहीं आया। रिसेप्शन पर थे ना आपके साथ वो? रिसेप्शन से मतलब? वो रिसेप्शन पे नहीं था, ये कैसे हो सकता है? जो कुछ तुमने उस दिन किया है उसके बाद अंकल किसी को भी कैसे फेस करते? वो तुम्हारी तरह बेहिस और बेशर्म नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और किस बात पर इतना करते हो तुम? मैं अच्छी तरह से पता है ना कि ये सब कुछ मैंने किसके लिए किया, किसे पाने के लिए किया है? अपनी स्टडीज कंप्लीट की, सिविल सर्विसेज के पेपर किए। किसके लिए? उसने क्या किया है नेटवर्क?
तुम्हें क्या लगता है तुम्हें छोड़कर वो किसी और के साथ? बस उसके बारे में एक और लफ्ज नहीं, जान ले लूंगा मैं ही। और बकवास नहीं सुन सकता, उस दिन छोड़ दिया था, आज नहीं छोड़ूंगा। ये मत भूलो वो मेरी होने वाली बीवी है। अब सच बर्दाश्त नहीं होगा तुमसे, मुझसे भी नहीं बर्दाश्त होगा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग, पागल हो गए हो क्या? शहीर तुम घर जाओ, शहीर तुम घर जाओ, मैं सलमान से खुद बात कर लूंगा, जाओ। आपको जिससे बात करनी है कर लीजिएगा, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। खुदा मेरी इज्जत है, और मेरी इज्जत के बारे में तो जानते हो ना, अगर नहीं भी जानते आप जान जाओगे। शहीर अजमेर 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 होश करो, वो गुस्से में जाने दो से। जो करने कर लो, देख लूंगा। मैं ही और बकवास नहीं सुन सकता, उस दिन छोड़ दिया था, आज नहीं छोड़ूंगा। ये मत भूलो वो मेरी होने वाली बीवी है। समझता क्या ये खुद को? बाबा मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं चाचा के लिहाज नहीं करूंगा। शहीर के तेवर और अंदाज से पता लग रहा था कि उसको दहा और बेवफाई का बहुत ही गम है। तो वरना कोई इतना पागल थोड़ी कि रात के इस पहर आके झगड़ा करे, और वो भी अपने बाप के बड़े भाई के घर आकर। वो सलमान को देखने के लिए आया था, वो घर पे नहीं था तो ही आया था ना। आप पर तो फर्ज है ना खुदा को डिफेंड करना। मुझे एक बात बताएं, क्या इंसान से गलती नहीं होती है? खुदा इंसान नहीं है जो उससे गलती हो गई जवानी में? ये बात तुम कर रही हो, मुझे तो वाकई बहुत हैरत हो रही है। क्या तुम खुदा को नहीं जानती, या शहीर के लावबालीपन उसकी हरकतों को नहीं जानती? बोलो। मैं सब जानती हूँ और सब समझती हूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। कोई भी लड़का किसी भी लड़की से मोहब्बत का दावा नहीं कर सकता इस तरीके से। जब राई होती है ना तभी पहाड़ बनता है। किसी के किरदार पर बदगुमानी की बुनियाद पर शक करना अच्छी बात नहीं है दलहन, और वो भी उस पर शक कर रही हो जो तुम्हारे घर पे बहू बन के आने वाली है। क्यों दलहन, क्यों अपने बेटे की खुशियों के रास्ते में शक के कांटे बो रही हो? क्यों? मैं क्यों ऐसा करने लगी? मैं क्या हुदा और अजमीर की दुश्मन हूं? चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए और तुम भी मेरी मुखालफत में खड़ी हो जाओ, फिर भी मुझसे तुम्हें जाने का हक कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें पाने की कोशिश में हर सूरत करूंगा, और तुम्हें किसी और का मैं होने नहीं दूंगा। आपको जिससे बात करनी है कर लीजिएगा, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। खुदा मेरी इज्जत है, और मेरी इज्जत के बारे में तो जानते हो ना, अगर नहीं भी जानते आप जान जाओगे। मैं सब जानती हूं और सब समझती हूं, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। कोई भी लड़का किसी भी लड़की से मोहब्बत का दावा नहीं कर सकता इस तरीके से। जब राई होती है ना तभी पहाड़ बनता है।
फॉर्म शहीर को गए हुए बहुत देर हो गई, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, फोन भी तो रिसीव नहीं कर रहा हूँ। तुम ट्राई करो ना उसे। किसी की कॉल आ रही है, शहीर की होगी। नहीं, किसी लैंडलाइन नंबर से उठाएं। हेलो जी, जी मैं शहीर की मदर बात कर रही हूँ। क्या मॉम, व्हाट हैपेंड मॉम? डैड का नंबर बंद नहीं लग रहा फोन। यहाँ पे बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में, और एक बाप है जिसको अपने गुस्से और भरम से फुर्सत नहीं है। हो जाएगी, ठीक है, सो के हो जाएगी। डॉक्टर साहब मेरा शहीर कैसा है? He is in critical condition. चोटें बहुत ज्यादा हैं और खून बहुत बह गया है। आप लोग दुआ कीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हो जाएंगे भाई, भाई ठीक हो जाएंगे। ओह तौबा, ये शहीर का आना और हंगामे की वजह से मैं तो तुम्हारे ससुराल के बारे में पूछना ही भूल गई। मैं तो कहती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, और जो कुछ भी हुआ बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब देखे ना, इधर मेरे और आरेस की शादी, उधर अजमेर और हुदा का ब्रेकअप। वैसे क्या कमाल के डायलॉग बोले आपने, टिका कर वर्ड टू वर्ड जाके निशाने पे लगा था। अजमेर की शक्ल देखने वाली थी, पहले तस्वीरें, फिर मैसेजेस, और फिर शहीर का हुदा के घर आना। आपने तो वो एक्सप्रेशन मिस कर दिए जो मैंने देखे। अब ये समझें कि हुदा और अजमेर के बीच जो मोहब्बत की दरार है वो कभी नहीं भरने वाली। तुम अपने भाई की नाकाम मोहब्बत के बारे में ही बात करती रहोगी या अपने ससुराल के बारे में भी कुछ बताओगी? बस आप ये समझें कि उस घर में वक्फे वक्फे से जलजले के झटके महसूस किए जाएंगे, और फिर एक दिन दीवार, छत समेत सब कुछ मलबे का ढेर बन जाएगा, और फिर उसमें सब कुछ दफन हो जाएगा। ऐसा भी क्या कर दिया तुमने जिसकी वजह से इतनी खुश हो? वहां तो तुम रो रही थी। बस आप ये समझे कि आपकी बेटी ने पहले दिन ही वहां जाकर अपने पैर मजबूत कर लिए। Really? सलमान, सलमान। क्या हुआ? क्या सब ठीक है ना? खैरियत? नहीं यार, खैरियत नहीं है, हमें हॉस्पिटल पहुंचना है। हॉस्पिटल? क्यों, क्या हुआ? यार वो तेरे बेटे शहीर का एक्सीडेंट हो गया। मेरे भाई कैसे हैं? देखिए खतरे से बाहर है, मगर शायद वो अपने पैरों पर चल ना सके।
आ गए आप। अपना गुस्सा, अपना भरम, अपना रोब दिखाने के लिए आ गए आप। आप उसे अपने सांचे में ढालना चाहते थे ना, मेरे बच्चे को आपने अपना खिलौना समझ लिया था। आप उसको, उसकी मर्जी, उसकी ख्वाहिश को सब कुछ दबा के उसको अपना मोहताज बनाना चाहते थे ना, अपाहिज करना चाहते थे आप उसे। हो गया अपाहिज वो, आप उसे अपना मोहताज बनाना चाहते थे ना। अल्लाह ने उसको आपका मोहताज बना दिया। अब वो कभी कभी भी अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकेगा, आप चाहेंगे भी तो नहीं खड़ा हो सकेगा वो। आप उसे अपना गुलाम बनाना चाहते थे ना, मर्जी से एक कदम भी नहीं उठा सकेगा। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी माफ नहीं करूंगी आपको। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं सलमान, मैं नहीं माफ करूंगी आपको। मुझे लग रहा है कि आप शहीद की बातों को लेकर परेशान हैं। मेरी माने तो आप, मुझे सलमान की फिक्र हो रही है। समझ नहीं आ रहा शहीद उसे तलाश क्यों कर रहा था। गलत कोई ना कोई मसला जरूर है। तौबा, अब भाई की फिक्र खाई जा रही है। भतीजा इतना कुछ सुना गया, इस सबको कितनी आसानी से पी गए। आप ऐसा करें, कॉल कर लेना। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। बिना वजह में डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मैं ही कॉल कर लेता हूँ। हेलो, सलमान कहाँ हो? हॉस्पिटल? कौन से हॉस्पिटल? क्या हुआ? खैरियत तो है? अच्छा, फिकर मत करो, मैं आ रहा हूँ। अरे मेरे भाई, मैं आ रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ, मैं बस पहुँचता हूँ ना। शहीद का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जाना होगा। आप गाड़ी निकाली, मैं अजमेर को भेजती हूँ। सलमान, it will be all right. सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई। अब वो कभी अपने पैरों पे नहीं चल सकता। सलमान, सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है दुनिया में, और भी हॉस्पिटल्स हैं, और भी डॉक्टर्स हैं। जहां जाना होगा वहां लेके जाएंगे, उसका इलाज करवाएंगे। हां बेटा, अब अम्मी को लेके घर जाओ। क्या मैं हूं, अजमीर है, सलमान है, आपको घर जाओ। शाबाश भाई साहब, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है मेरे बेटे के साथ। आप बताएं कि वहां पे ऐसी कौन सी बात हुई थी जो मेरा बच्चा इतने गुस्से में वहां से निकला था। सभा, ये मौका ऐसी बातें करने का, बाद में कर लेना। मैं कहीं नहीं जा रही हूं। सभा, हम हैं ना यहां पर, जाओ तुम लोग।